तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, दिस इज एतिशा, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, अभी हम लोग रायबरेली के जीजीआईसी ग्राउंड में हैं, और जहाँ पे शिल्प बाजार महोत्सव लगा हुआ है। अभी इसके पहले उत्सव लगा था और अब महोत्सव लगा है ठंडी में, और हर साल ये दिसंबर के महीने में ये लगता ही लगता है। और आज हमारे साथ ये भाई सचिन चौरसिया है। भाई सुनो तो इनको, भाई को हमने सुबह सुबह फोन किया, तो फोन किया हमने, पूछा क्या कर रहे हो, तो भाई ने क्या बोला पता है, कह रहे कि मैं कपड़ा प्रेस कर रहा हूँ। और हमसे कह रहे कि भाई शादी करा दो, हम कहाँ से लड़की दे दे भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, शादी नहीं होगी तो खुद ही कपड़े धुलना। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे पास है ना घर वालों से कौन ढूंढे? नहीं, घर वाले नहीं करते तो हम ही करेंगे यार, मम्मी पापा से कपड़े तो मम्मी पापा से बोलो ना कि जब इनको फोन करो, कुछ भी करो, कहीं कपड़ा प्रेस करते हैं, कहीं कपड़ा धुलते रहते हैं, इनका कोई वही नहीं है, समझ रहे हो? तुम्हारी 25 साल एज हो चुकी है, अब बताओ। डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमको जरूरत है उस चीज की। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं भैया। तुमको जरूरत है? नहीं है भाई, नहीं। तो भाई की शादी बहुत जल्दी होने वाली है, करवा दे इनकी, करवा दे। चलो भाई, कमेंट करके बता दो। अभी गाइस हम लोगों को झूला झूलने का मन कर रहा था, लेकिन हम लोग के लिए झूला ये नहीं है, यहाँ पे जितने भी झूले ना सब छोटे बच्चों के लिए। तो भाई सचिन क्या कह रहे थे पता है? सचिन कौन सा झूला झूलोगे यार? हम सोच रहे हैं इसी वाले पे झूल लिया जाए। ये वाले पे झूलोगे ना? बड़े वाले नहीं है, कम से कम बच्चे वालों ही झूलो, यही वाला झूल लो। तो अभी गाइस आपको बता दें, यहाँ पे भाई प्रिंट होता है और टी शर्ट प्रिंटिंग प्रोडक्शन है, और यहाँ पे देख लीजिए भैया ने वो मशीन रखी हुई है और ये प्रिंट करते हैं। आप जैसे इन्होंने पिलो पे देखो ये प्रिंट करा है, तो आप अगर अपनी भी प्रिंट अगर फोटो करवाना हो तो ये मग पे ये कर देंगे। ये देख लीजिए जैसे भैया ने ये किया है, ये देखो और भी फोटो जिन्होंने प्रिंट किया है, सबके चार्जेस अलग अलग हैं। तो गाइज एहतिशाम भाई अभी रैबली महोत्सव में आए हुए हैं, देखो गर्लफ्रेंड के लिए बढ़िया टैडी वियर ले रहे हैं न्यू ईयर में देने के लिए। क्यों भैया? आई लव यू, आई लव यू सिमरन। वाह वाह, क्या बात, ये मेरा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर देख रही होगी वीडियो तो क्या कहेगी? कोई नहीं देखता भाई, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, गर्लफ्रेंड है नहीं तो क्या घंटा देगा। यूट्यूब पे तुमने ब्लॉक कर रखा होगा उसको, कौन सा लोगे? ये कोई फीचर्स नहीं है, ये कोई फीचर्स नहीं है कि यूट्यूब पे किसी को है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं भैया, तुम यूट्यूबर, तुमको नहीं पता? नहीं। अरे कोई भी यूजर को तुम ब्लॉक कर सकते हो, अब रहने दो, कुछ ना करो ज्यादा, वो सॉफ्ट के मजे ना लो। देखो और कोई ले लो, ये वाला दे दो, खरगोश दे दो, हाथी दे दो, और क्या इसकी अच्छे तो ले रहे। ये देख, और ये यार ये वाला तुम दे दो, पट्टे वाला। ये देखो लौंडा आज पूरे मूड में है यार, रैबली महोत्सव में डाल गई। हम लोग महोत्सव के बाहर आ गए थे तो आपको पता है 3 दिन पहले इसकी वजह से मैंने 20 रुपए घुस गए,
पता है किस लिए? क्योंकि गाड़ी जो मैंने 3 दिन पहले अंदर लगाई थी उसके 20 रुपए देने पड़े और आज पता चला रेट चेंज हो गया, 10 रुपए देने थे, हमको पता ही नहीं था, तो हमने गाड़ी जो है रोड के किनारे लगा दी थी, सब इसी की वजह से हो रहा है। तो अभी गाइस हम लोग के बताशे खाने का मन कर रहा था, अभी हम लोग पीछे आ गए बताशे खाने, और ये भाई हैं, इनके पास पहले भी आ चुके हैं, और रायबरेली में बहुत सी जगह हम लोगों ने बताशे चाट खाए, लेकिन इनके पास जो पानी के बता जो पानी की क्वालिटी है ना वो रायबरेली में किसी के पास नहीं है, एक नहीं दो नहीं इनके पास 4 तरह के पानी है, चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ भाई बताओ कौन कौन से पानी है? ये वाली कौन सा है? ये नॉर्मल है, और ये वाला खटमिट्टा है, और ये वाला ये लहसुन वाला, और ये वाला ठीक है। तो भाई इनके पास 4 तरह के पानी है, तो भाई हमको और सचिन को बढ़िया खिला दो। अरे बस करो यार, अरे बंद करो, खिला रहे हो क्या? हाँ हाँ तुम खाओ ना, हम तो ATM लेके चलते हैं यार साथ में, तुमको तो पता ही नहीं होगा, चलो भाई फटाफटा खिला दो।